नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। वक्त है देश तक का और शुरुआत कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ करते हैं। देश में कोविड 19 के मरीजों की तादाद बढ़कर 2301 तक पहुंच गई है, जबकि मौत का कुल आंकड़ा हो गया है 56। अच्छी खबर यह है कि कोरोना से 157 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इस बीच दिल्ली से चौंकाने वाली खबर आ रही है कि आज कोरोना के 91 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 77 मरीज तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होंगे। अहम खबर यूपी से भी है, जहां योगी सरकार ने अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सों के साथ अश्लील हरकत करने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। तो गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। तबलीगी जमात के संदिग्धों ने नर्सों और महिला स्टाफ के साथ बदसलूकी करते हुए अश्लील हरकतें की। योगी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए सभी आरोपियों पर एनएसए के तहत एक्शन का आदेश दे दिया। शर्मनाक है कोरोना संदिग्ध लोगों की हरकतें, जिसे गाजियाबाद के अस्पताल में अंजाम दिया गया है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जिन्होंने डॉक्टरों महिला नर्सों के साथ बदसलूकी की है, अश्लील हरकत की है। हैरान करने वाली खबर गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल की है। दरअसल एमएमजी जिला अस्पताल में तबलीगी जमात में शामिल कोरोना संदिग्धों को भर्ती करवाया गया था। वहीं उन्होंने अपनी बेहूदी हरकतों से हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी है। लेकिन उनकी शर्मनाक हरकतों के बारे में आप जानेंगे तो आप भी भौचक्के के रह जाएंगे। वार्ड में गंदे और अश्लील गाने सुनने लगे, नर्सों से बीड़ी सिगरेट की मांग कर डाली, महिला कर्मियों को अश्लील इशारे करने लगे, मेडिकल स्टाफ से बदतमीजी से भी बाज नहीं आए, डॉक्टर की सलाह को अनसुना कर दिया और जब एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने को कहा गया तो साथ बैठकर बातें करने लगे। अस्पताल में निजामुद्दीन और अलग अलग मरकज से लाए गए 6 मरीजों पर ऐसी ही घटिया हरकतों का आरोप है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस से पत्र लिखकर शिकायत की। तत्काल इसकी गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी और एडीएम जो है उन्होंने इसके वहां पर मौके पर भी इसकी जांच करी और तथ्यों को परखा और यह पाया गया कि तहरीर जो है वो एफआईआर योग्य है और तत्काल इस पर जो है निर्णय लेते हुए इस पर एफआईआर दर्ज की गई है और विवेचना प्रचलित कर दी गई। मामला इतना संगीन है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती का फरमान जारी किया। ये न कानून को मानेंगे न व्यवस्था को मानेंगे, ये मानवता के दुश्मन हैं। जो इन्होंने महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किया है वो जघन्य है। इन पर एनएसए लगाया जा रहा है, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। जमात में शामिल लोग डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने अपनी एक टुकड़ी भी आइसोलेशन सेंटर के बाहर तैनात कर दिया है, जो अब ये नजर रखेगी कि जमात में शामिल कोई भी शख्स इस आइसोलेशन सेंटर से बाहर ना जाए और साथ ही डॉक्टर्स के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी या बदतमीजी ना होने पाए। मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस प्रशासन को यह निर्देश दिया है कि इंदौर जैसी घटना यूपी में कहीं नहीं दिखनी चाहिए। इसकी शिकायत हुई है, पुलिस तहकीकात कर रही है। मैंने भी एसएसपी साहब से बात की थी कल और मैंने उनको कहा कि अगर ऐसा हो रहा है और जो चीजें गलत की जा रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, कानपुर में भी जमातियों ने मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल और डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की है। गाजियाबाद में नर्सों के साथ अभद्रता के बाद फैसला लिया गया है कि तबलीगी जमात के लोगों की जांच और सुरक्षा में महिला स्वास्थ्य कर्मियों और महिला पुलिस कर्मियों को नहीं लगाया जाएगा। साथ ही मेरठ जोन में सभी आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीन वार्डों में जहां संदिग्ध मरीज भर्ती हैं, वहां सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर दूसरे की सेवा करने वालों के खिलाफ ऐसी करतूत करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। इस सारे संकट की जड़ तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद को माना जा रहा है। मौलाना साद और 6 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मौलाना साद की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने मौलाना साद को 26 सवालों के साथ एक नोटिस भेज दिया। देश को कोरोना संक्रमण के विस्फोट में झोंक देने वाला मौलाना साद अब तक फरार है। इस बीच उसके फार्म हाउस की तस्वीरें सामने आई है। मौलाना के फार्म हाउस में कई गाड़ियां और बाइक देखी जा रही हैं।
एक दिन पहले उसने खुद को आइसोलेशन में बताया था, वहीं उसके सुर भी बदल गए थे। वो अपने लोगों को इलाज कराने की सलाह दे रहा था। दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए है। ये एहतियाती तदाबीर यकीन, तवक्कुल, ईमान बिल्लाह के हरगिज खिलाफ नहीं, इसलिए इन तदाबीर का इख्तियार करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं, वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के कवानीन की पाबंदी ज़रूर करें। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उसके इन पैतरों को नज़रअंदाज करते हुए उस पर शिकंजा कस रही है। आज उसने मौलाना साद को नोटिस भेजा जिसमें उससे 26 सवाल किए गए। खास तौर पर उससे पूछा गया, क्या आपने आयोजन के लिए अधिकारियों से इजाजत ली थी? सरकारी अधिकारी और तबलीग के बीच कोई पत्राचार हुआ था? मरकज में आए लोगों की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है। 12 मार्च के बाद आए सभी विदेशियों की जानकारी दें। मरकज ने बिल्डिंग खाली कराने के लिए क्या कदम उठाए? इन्वेस्टिगेशन पुलिस पूरे इस मामले की कर रही है, लगातार जांच आगे बढ़ रही है। इसके अलावा जो एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें मौलाना साद अब अपील कर रहे हैं जो जमाती है कि वो डॉक्टर से सलाह ले, अगर कोई बीमार है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए और हुकूमत के फैसले का सम्मान करे, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, यानी पलटी मारी गई है तबलीगी जमातियों के जरिए फैलाए गए कोरोना से। उधर लखनऊ के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने निजामुद्दीन पुलिस को एक मेल भेजकर मौलाना मोहम्मद शाद के खिलाफ तहरीर दी है। उनका आरोप है कि मौलाना साद ने एक साजिश के तहत इतने कोरोना पीड़ितों को अपने यहाँ रोके रखा और फिर उन्हें पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैलाने के लिए भेज दिया। कुल मिलाकर इस मामले में क्राइम ब्रांच की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। उम्मीद है कि मौलाना साद जल्द गिरफ्तार होगा और उससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी होंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज से देश भर में फैले लोगों को लेकर परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। अलग अलग शहरों में इनसे कई केस पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हो रही है, यानी कोरोना के संक्रमण की चपेट में कुछ और लोग भी आ सकते हैं जो इनके संपर्क में आ चुके हैं। यूपी के जौनपुर और आजमगढ़ से लेकर असम तक फैले जमातियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर से हड़कंप मच गया है। फिरोजाबाद की एक मस्जिद में छिपे बिहार के 7 लोगों की मेडिकल जांच की गई तो उनमें से 4 कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद शहर के 3 इलाकों को सील कर दिया गया। आजमगढ़ में दिल्ली से आए 16 जमातियों में से 6 को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये सभी 21 मार्च को जमात से लौटे थे और एक मदरसे में छिप कर रह रहे थे। तो 16 में से हमारे यहाँ की 3 पॉजिटिव आए हैं, 13 नेगेटिव, और जो 13 लोग हैं उनमें से आजमगढ़ के 16 में से 7-6 माइनस करके 10 लोग आजमगढ़। तबलीगी जमात से जुड़े आगरा के 6, मेरठ के 4, जौनपुर के 2, गाजियाबाद में 1 और हापुड़ में 1 के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस बीच बुलंदशहर में एक मस्जिद में छिपे 2 जमातियों को गांव वालों ने उस वक्त पकड़ा जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे। वहीं मिर्जापुर में उन 6 जमातियों पर जानकारी छिपाने का केस दर्ज किया गया जो दिल्ली से लौटे थे। इनको क्वारंटाइन कर इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने दूसरे देशों से आए 960 जमातियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन सभी ने वीजा के नियमों की धज्जियां उड़ाई थी। तबलीग जमात वर्कर्स के संदर्भ में गृह मंत्रालय ने 960 फॉरेनर्स जो इंडिया टूरिस्ट वीजा पर आए थे और अभी देश में हैं, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। केवल जमातियों पर ही नहीं, अब उन्हें पनाह देने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने उन मस्जिदों और स्कूलों के ट्रस्टियों के खिलाफ केस दर्ज किया है जिन्होंने तबलीगी जमात में हिस्सा लेने आए विदेशियों को पनाह दी थी। मुंबई में दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के बढ़ते केसेस के साथ तबलीगी जमात के कनेक्शन को आप इसी बात से समझ लीजिए कि देश की राजधानी दिल्ली में आज 91 नए केस आए हैं कोरोना के, और इनमें से 77 मामले जो हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए मामले हैं। कुल मिलाकर 16 राज्य ऐसे हैं देश के इस समय जिनमें यह माना जा रहा है कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की वजह से कोरोना पहुंचा है या कोरोना के केस बढ़े हैं। हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखा देते हैं इस समय देश भर की स्थिति क्या है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 423 मरीज इस समय हैं। तमिलनाडु में आज 102 नए मरीज आ गए कोरोना के, जिसके साथ आंकड़ा हो गया है मरीजों का बढ़कर 411 कुल मिलाकर।
इसके अलावा दिल्ली में आज 91 नए केस आए। इसी के साथ दिल्ली में कुल 384 मरीज कोरोना के हो गए हैं। केरल में आज सिर्फ 9 नए केस आए, लेकिन अब भी 295 संक्रमित मामले हैं केरल में। आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सभी राज्यों के राज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। दुनिया में कोरोना से अब तक 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हैं, संक्रमित हैं, और सबसे ज्यादा इटली में 13,915 यानी कि लगभग 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है, और स्पेन में 10,935 यानी कि 11,000 को यह आंकड़ा अब छू रहा है मौतों का कोरोना की वजह से। अमेरिका में 5,887 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये हालात कोरोना की वजह से इस समय दुनिया भर में। देश में कोरोना की महामारी से पैदा हुई निराशा को आशा में बदलने का मंत्र लेकर पीएम मोदी देश के सामने आज आए। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया और साथ ही इस वीडियो संदेश में उन्होंने कोरोना के अंधकार को चुनौती देने के लिए रविवार 5 अप्रैल की रात को 9 बजे दिया, मोमबत्ती या टॉर्च जलाकर प्रकाश की महाशक्ति पैदा करने की अपील देश के लोगों से की है। कोरोना से जंग लड़ते देश के सामने प्रधानमंत्री आज एक बार फिर सामने आए। सुबह 9 बजे जारी वीडियो संदेश में उन्होंने कोरोना के अंधकार को दूर भगाने के लिए प्रकाश का मंत्र दिया। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। पीएम मोदी की इस अपील को प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी ने कविता में ढाल दिया। दीपक हूँ मैं, लालायित हूँ, एक और दीप जलेगा मुझसे, यह आशा लेकर जीवित हूँ। दीपक हूँ मैं, लालायित हूँ। दूसरी तरफ विपक्ष ने पीएम मोदी के दिया मंत्र को अंधविश्वास करार दे दिया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा, इन मसलों पर सरकार के कदम सुनने को नहीं मिले। वायरस को रोकना, टेस्टिंग किट्स, गरीबों को खाना, मजदूरों की आर्थिक मदद, दिया किसी मकसद से जलाएं, अंधविश्वास के लिए नहीं। ओम कोरोनाय विनाशाय स्वाहा। इन आरोपों के बीच बीजेपी सांसद साक्षी महाराज कोरोना को भगाने के लिए अपने घर पर हवन करते नजर आए। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुखीयम अमृतात् ओम स्वाहा। दूसरी तरफ पीएम की अपील को लेकर वास्तु के जानकार कहते हैं कि प्रकाश करने से नकारात्मकता कम होती है। कहीं ना कहीं मनोबल के अलावा हम अपनी एक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक साक्षरता के लिए सब मिलकर ऐसे टाइम पर हाथ मिलाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, हम सबको पूरा विश्वास है कि हम कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस बीमारी के जंग से जीत कर बाहर आएंगे। इससे पहले पीएम मोदी की अपील पर 22 मार्च को पूरे देश ने कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए ताली और थाली बजाई थी। इस बार 5 अप्रैल को उन्होंने प्रकाश जलाने का मंत्र दिया, लेकिन पिछली बार की तरह सोशल डिस्टेंसिंग में चूक न करने की हिदायत भी दी है। अशोक सिंगल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। कोरोना पर आज स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने जो आंकड़े रखे उनसे एक बात तो साफ हो गई, देश में कोरोना के जितने भी मामले हैं उनमें से 1/4 से भी ज्यादा केस तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के हैं, लिहाजा उनके खिलाफ सरकार बेहद सख्त कार्रवाई कर रही है। कोरोना को हराने के लिए हिंदुस्तान पूरी तैयारी के साथ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वायरस भी लगातार लोगों को अपना मरीज बनाया जा रहा है। देश में कोविड 19 के इस वक्त 2301 मरीज हैं, जबकि 56 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी खबर ये भी है कि 156 लोग इलाज के बाद घर भी जा चुके हैं। परेशान करने वाली खबर ये है कि दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज में शामिल 647 लोगों में कोरोना पॉजिटिव आया है, यानी 1/4 से ज्यादा कोरोना मरीज मरकज के लोग हैं। तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस अगर हम लें तो पिछले दो दिनों में करीब 647 केसेस, 647 कंफर्म पॉजिटिव केसेस इससे लिंक किए हुए पाए गए हैं।
जो कि 14 स्टेट्स में पॉजिटिव पाए गए हैं। तबलीगी जमात के मरकज में शामिल लोग देश के 19 राज्यों में वापस गए हैं और उनकी पहचान भी तकरीबन पूरी हो चुकी है। साथ ही मरकज में शामिल विदेश से आए 960 जमातियों को सरकार ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया है, उनका भारतीय वीजा रद्द कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ गृह मंत्रालय की भी कोरोना के हालात पर पूरी नजर है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर केंद्र की योजना को कामयाब तरीके से लागू करने का निर्देश दिया गया है। आज से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत जो डिसबर्समेंट ऑफ बेनिफिट्स होना है उसके लिए सुचारू व्यवस्था करें। लोगों को स्टैगर्ड टाइम्स पे बुलाएं जिससे कि क्राउडिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और बैंक ब्रांचेस में पर्याप्त सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करें। चंद जाहिलों की बेवकूफी कोरोना वायरस को फलने फूलने का मौका दे रही है, लेकिन हिंदुस्तान तमाम मुश्किलों से लड़ने के लिए कमर कस चुका है और आखिरकार जीत भी देश की ही होगी। आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार तैयार है और हालात काबू में। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है और क्या हम अगर इस सिचुएशन में इमरजेंसी के हालात पैदा होते हैं उससे निपटने के लिए सरकार की और राज्य सरकारों की तैयारी पूरी है। हर दूसरे तीसरे दिन देश के सारे स्वास्थ्य मंत्रियों से मैं फ़ोन पे बात करता हूँ या वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करता हूँ और मेरे डैशबोर्ड पर सारे देश में हर स्टेट के अंदर कितने PPEs उपलब्ध हैं, कितने N95 के मास्क उपलब्ध हैं, कितने आइसोलेशन बेड्स की तैयारी है, कितने कोविड के अस्पतालों की तैयारी है, कितने ICU बेड्स की तैयारी है, कितनी जो आवश्यक दवाइयाँ जो हैं और कितने एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड वेंटिलेटर्स हैं, ये सारी चीज़ों की मेरे पास जानकारी है। ये एकदम सारे देश के लोगों को, सारे देश के लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए कि हमारी सरकार ने आने वाली किसी भी विषम से विषम परिस्थिति के लिए भी सब प्रकार की तैयारियां की हैं। अभी शायद 1% लोग भी वेंटिलेटर पर नहीं हैं, तो भी एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड 15,000 वेंटिलेटर्स होने के बावजूद भी हमने 40,000 वेंटिलेटर्स का और प्रबंध करने के लिए प्रोक्योरमेंट की प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। करोड़ों की तादाद में हमने और PPEs जबकि सब स्टेट्स में पर्याप्त मात्रा में आज भी उपलब्ध हैं, इसलिए हर तरह की परिस्थिति के लिए पूरा देश अच्छी तरीके से तैयार है। मोदी सरकार कोरोना को हराने के लिए जी जान से जुटी है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर सेंट्रल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक हुई जिसमें कोरोना को रोकने के लिए बनाए गए मेगा प्लान की समीक्षा की गई। इसके साथ ही लॉकडाउन और मजदूरों के पलायन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, हरदीप सिंह पुरी, रामविलास पासवान समेत अन्य मंत्री भी शामिल हुए। कोरोना पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की दूसरी बैठक है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। केंद्रीय मंत्रियों की इस बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर भी चर्चा की गई। और अब बात बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की, जिन्होंने लॉकडाउन के हालात में जरूरतमंद लोगों की मदद की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मनोज तिवारी, इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं सुरक्षा गार्ड्स जो ड्यूटी पर तैनात हैं, आज के हालात में भी उन सबको मदद बांट रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें आपको बता दें। कोरोना जानलेवा बीमारी है और इसी वजह से देश में इस समय लॉकडाउन की स्थिति है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए कम से कम कोरोना से लड़ा जा सके। आज लॉकडाउन का 10वां दिन है और देश के अलग अलग शहरों के हालात क्या हैं, आज तक के संवाददाताओं की नजर से देखिए किस तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के बाबरपुर इलाके में मौजूद हूं। आप देखिए यहां पर पुलिस तैनात है और लोगों से अपील की जा रही है बार बार कि जो लोग बाहर खड़े हैं वो अंदर की तरफ जाएं। कुछ लोग अंदर जा रहे हैं PCR को देखकर और आप देखिए इशारा भी कर रहे हैं, यानी पुलिस की सख्ती बरकरार है ये कहा जा सकता है। और आप देखिए यहाँ पर कुछ वाहन ज़रूर नज़र आ रहे हैं, कुछ असेंशियल सर्विसेज से संबंधित लोग हैं वो लोग निकल रहे हैं और कुछ लोग ये कहा जा सकता है कि ऐसे ही निकल रहे हैं। तो ये पुलिस की सख्ती एक तरफ जहाँ बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन को लेकर दिल्ली पुलिस ने कई मामले भी दर्ज किए हैं।
अगर दिल्ली में बात की जाए तो लगातार मामले इसमें दर्ज हो रहे हैं, रोज 100 से ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं, ताकि किसी तरह से कोई जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ सख्ती हो। ऐसे में कोरोना से फाइट तभी की जा सकती है जब लगातार लॉकडाउन का पालन किया जाए। लॉकडाउन 21 दिनों का है, आधे लॉकडाउन की समय सीमा जो है वो बीत चुकी है। ऐसे में भोपाल की क्या तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, अभी भी सड़कों पर पुलिस की तैनाती है, जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे बाकायदा पूछताछ की जा रही है कि वो बाहर निकले हैं तो क्या वजह है। भोपाल में हम जिस जगह खड़े हैं अगर आप देखें तो दोनों तरफ सड़क के बैरिकेड हैं। माना जा रहा था कि शुरुआत में इसको समर्थन मिलेगा, हालांकि बाद में शायद लोग बाहर निकलना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लोग अभी भी अपने घरों में ही हैं, एक तरीके से माना जाए तो लोगों ने इसको मान लिया है कि ये जो खतरा है ये बहुत बड़ा है, गंभीर है, और इसलिए लोग अपने घरों से अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो बाहर नहीं निकल रहे हैं। 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान कई सारे ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम हो या फिर हॉस्पिटल हैं जो पूरी तरीके से बंद हैं और मरीजों को जो है वो परेशानी हो रही है। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनका कुछ ज़रूरी काम था, सर्जरी था, कोई प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो ऐसे लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और एक निजी अस्पताल पे यहाँ पर हम हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं एक दंपति यहाँ पे आए हुए हैं और महिला प्रेग्नेंट हैं और यहाँ पे, लेकिन देखिए वो दिखलाने आई हुई हैं तो, लेकिन अस्पताल पे आप देख सकते हैं जो ताला लगा हुआ है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से निजी अस्पताल जो है ये फिलहाल बंद है। प्रधानमंत्री की तरफ से आह्वान किए गए 3 हफ्ते के लॉकडाउन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हजारों की तादाद में ट्रक फंसे पड़े हैं। पिछले 9 दिन से ये ट्रक ना ही किसी दिशा में बढ़ सकते हैं और ना कहीं चल फिर सकते हैं। उस बीच ये ट्रकर्स ज़रूरी चीज़ों की कमी महसूस कर रहे हैं और पैसे होने के बावजूद भी ये कोई चीज़ बाज़ार से हासिल करने से कासिर हैं। कोरोना संकट के बीच तबलीगी जमात के गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए आज जुमे की नमाज रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। तमाम धर्मगुरु सामने आए और लोगों से जुमे की नमाज घर में अदा करने की अपील भी की गई। दिल्ली की जामा मस्जिद में सन्नाटा रहा, फतेहपुरी मस्जिद भी बंद रही। शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने नमाजियों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। नोएडा में भी ड्रोन के जरिए मस्जिदों और आसपास के इलाकों की निगरानी की गई। मस्जिदों से बाकायदे अनाउंसमेंट करवाई गई कि लोग घरों से ही नमाज अदा करें। अयोध्या में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। लखीमपुर खीरी में लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ना जुटे, इसके लिए मीनार मस्जिद के गेट पर ताला लगा दिया गया। तो देश तक में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप देखते रहेगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।